कि द्रौपदी इंडियन टेलीविजन का काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है। जैसे कि आपको मालूम है कि महाभारत में काफ़ी कुछ लिखा गया है इनके बारे में, किससे ज़्यादा प्यार करती, किससे ज़्यादा लगाव करती। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उनका सबसे फेवरेट पुत्र सन कौन था इस पूरे में। आपको तो कि काफ़ी शॉकिंग है ये, आपको जानकर काफ़ी दिलचस्प होगा कि उनका सबसे पुत्र उनका खुद का पुत्र नहीं जबकि अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र है, जो उनका नाम अभिमन्यु। आपको तो कि अभिमन्यु की गाथा काफ़ी है, उन्होंने जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, उनको बाद में उनके ही चाचा कर्ण ने उनका वध किया। आपको बता दूँ कि जैसे कि आपको मालूम ही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसमें कि द्रौपदी का सबसे फेवरेट पुत्र कौन सा है, वो है अभिमन्यु। आपको बता दूँ कि उनके भी सभी पतियों के साथ, जो कि पांचों पांडवों के साथ काफ़ी सारे पुत्र हुए हैं, लेकिन उनका फेवरेट हमेशा से ही सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हुआ है। आपको तो काफ़ी जगह ऐसा लिखा गया है कि उन्होंने काफ़ी कुछ अपनापन दिखाया है अभिमन्यु के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें साफ झलकता है कि अभिमन्यु उनका सबसे फेवरेट पुत्र हैं उस समय।